हाँ शादी अर्जुन को अब शादी तो करना पड़ेगा, क्योंकि विष्णु भी यही कह रहे हैं कि शादी करना पड़ेगा। वो तो हाँ कहे 20 चप्पल मार दे तो हम रख लेंगे। नहीं देखिए, नहीं तो शादी करें, नहीं तो भाई जो उसकी जो पूरा बदनामी हुआ है उसका पूरा सबूत दें। मैं उस समय शादी करवाएंगे? नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ ना, उस दिन मैं ऐसा इसलिए बात किया क्योंकि वो एकदम आपको अपना करीबी समझिए, आपसे बात करती थी बात, वो जा रही थी सुसाइड करने के लिए, कहा थी राहुल भैया हम नहीं उनके बिना जिंदा रह पाए, नहीं रहा हम जाती फांसी लगाए, और क्या नाम है हाथ काट काट के फोटो भेज रही थी, जो कि अभी मैं दे दूंगा आप लगा लीजिएगा फोटो, और पंखे का फोटो भेज रही हैं। तब मैं कहा कि देखिए सिचुएशन इतना गर्म है कि वो उधर मरने जा रहा है इधर सुसाइड करने जा रहा है। मालती आत्महत्या कर ले, वो सुसाइड कर ले, उसके जिम्मेदार कौन होगा? उसके भावनाओं के साथ खेला कौन है? मालती आपसे फोन पे कितना दिन से बात करती है? मालती लगभग हमसे 10-15 दिन या 20 दिन से बात कर रही थी, यही मैटर जब उभरा हाँ और जब मुझे पूरी बात पता चल गई तो इन्होंने कहा कि भैया 20 दिन का रिकॉर्डिंग रखे हैं। हाँ 20 दिन का रिकॉर्डिंग है, उसी दिन से कहती थी कि भैया कोई बात लीक मत करिएगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि विष्णु राज को और हमसे दूरी बनाया गया, दुश्मनी किया गया, और विष्णु राज को कहीं ना कहीं फंसाया जाएगा। अपने एक कपड़ा नहीं खरीदता था लेकिन उनको पहनाता था, और दूसरी बात यह है बेचारा स्टूडियो सोए ये अपने घर सोती थी, विष्णु का खाना बना दो तो खाना नहीं बनाती थी, अर्जुन अब कह दे कि हम आ रहे हैं खाना बना देना, खाना बन जाता था। आप लोग इधर ध्यान दे सकते हैं, जिस बंदे का गैरेज है वो गैरेज छोड़ के दिन रात इन्हीं लोग के साथ रहता था, तो मतलब क्या है सोच सकते हैं। साथियों नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं आप इंडियन न्यूज डे। विष्णु राज और मालती के बीच जो विवाद हुआ है और जो ऑडियो वायरल हुआ है, ये राहुल भाई हैं, मिस्टर विष्णु राज राहुल हैं, और इन्हीं का ऑडियो जो है मालती जी से, मालती जी के बात करते हुए वायरल हुआ है, और कहा जाए तो ये ऑडियो जो आपका बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है। लोग बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं आप राहुल जी बहुत गलत किए हैं, किसी पत्नी के एक दूसरे को दूरियाँ बढ़ा दिए हैं। तो सबसे पहले तो नमस्ते सभी दर्शकों को, तो इसमें हम कहना चाह रहे हैं कि इसमें किसी की जान जान माल का खतरा था, और तब मैं बात विष्णु को बताता हूं, और दूसरी बात यह है कि वायरल जो शब्द आप लोग कह रहे हैं वो उन्हीं के पति ने किया अपने चैनल से, हमने नहीं किया। और दूसरी चीज़ ये है आइडियो जो वायरल हुआ लेकिन आप ही तो दिए हैं, हम ही दिए हैं, लेकिन जैसे क्या क्या वजह रहा कि आइडियो आपने शेयर किया कि मजबूरन आइडियो मार्केट में आ गया, जनता में आ गया, समाज में आ गया? जैसे कि इसमें बहुत लंबी कहानी है, और इसमें यही जान लीजिए कि एक दोस्त होता है, दोस्त से भाई बनता है, भाई बन के फिर राखी बंधवाता है, बाद में उसी बहन को अपने साथ गलत संबंध जोड़ता है, तो गलत है ना, भाई ने बहन के साथ गलत किया। हाँ ये कहानी लगभग बहुत दिन से चल रही है। दिनों से आपको जानकारी? लगभग 1.5-2 महीने से चल रही होगी, लेकिन हमको तो अभी जल्दी पता चला कि इन लोगों का क्या है, क्योंकि मालती ने खुद कहा कि क्या नाम है कि भैया उनको बचा लीजिए, वो जा रहा था सुसाइड करने नशे की हालत में, भैया उनको बचा लीजिए नहीं तो हम उनके बिना नहीं रह पाएंगे। तो मैं कहा ऐसी क्या बात है भाई कि आप नहीं रह पाओगी, सुसाइड कर रहे हैं तो उनका कुछ रीज़न होगा भाई, क्या है क्या नहीं है? तो कह रहे नहीं हम उनसे प्यार करते हैं। मालती कह रही हैं? हाँ। किससे प्यार कर रही हैं? अर्जुन से, और अर्जुन भी एक क्लिप बना के हमारे पे भेजते हैं, लगभग 2 या 3 मिनट का क्लिप बना के भेजते हैं कि हम मैं वो दे दूंगा, जो क्या नाम है वीडियो दे दूंगा लगा लीजिएगा, वो कहते हैं कि राहुल भैया मुझे कुछ हो जाता है तो आप विष्णु राज को मत छोड़िएगा। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि जितने भी विष्णु के हम लोग जितने भी दोस्ती यारी थी सभी को इनकी बीवी और अर्जुन ऐसा भड़का दिए कि हम लोग विष्णु भाई के एकदम दुश्मन बन गए। पहले इसका ये चाल था कि पहले दुश्मन बनाओ, दुश्मन बना के फिर अपना फ़ायदा निकाला जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको शादी नहीं करना, क्योंकि एक शादीशुदा इंसान है अर्जुन, शादीशुदा है। हाँ। उसके बच्चे भी हैं? उनके बच्चे भी हैं। बच्चे हैं? बच्चे एक हैं लगभग, है। हाँ एक बच्चा है, और उसको पता है क्या है चस्का वायरल होने का, वो सोचता है कि YouTube Facebook से बहुत ज़्यादा पैसा आता है, तो मालती के साथ हम शादी कर लेते हैं, मालती हमारे पास रहे तब उसके जरिए हम वीडियो बनाएंगे और खूब पैसा कमाएंगे। वीडियो आपको शेयर किया
अर्जुन ने वीडियो बना के भेजा, उस वीडियो में क्या बोला था? उस वीडियो में ही बोला था कि दोस्तों मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने, इसका पूरा जिम्मेदार विष्णुराज होंगे और मैं नहीं जिंदा रहता हूँ तो आप लोग उसके ऊपर कार्रवाई करिएगा। लेकिन किस रीजन से सुसाइड करने जा रहा था ये भी तो बताना चाहिए, ये तो बताया नहीं किस रीजन से सुसाइड करने जा रहा है। जब ये वीडियो मेरे पास आती है तो मैं देख के अचंभव में आ जाता हूँ। मेरे साथ एक मित्र रहते हैं जो कि उनका मैं अभी नाम नहीं बताऊँगा, वो भी देख के अचंभव में आ जाते हैं कि ये बंदा अभी कुछ कर लेगा तो विष्णु राज तो झुटो में फंस जाएगा। तो साथी कैसे जान गए ये सब चीज़? हैंड फ्री पे था, फोन आया था मालती का? नहीं, मालती अर्जुन का फोन आया था तब, और मालती का भी जब फोन आया था हैंड फ्री था, जो भी बात चली उस दिन सब वो भी सुन रहा था। लेकिन क्या किया जाए, जब ऊपर वाला, जब विष्णु भाई किसी के साथ गलत नहीं किए हैं। मालती आपसे फोन पे कितना दिन से बात करती है? मालती लगभग हमसे 10-15 दिन या 20 दिन से बात कर रही थी, यही मैटर जब उभरा और जब मुझे पूरी बात पता चल गई तो इन्होंने कहा कि भैया 20 दिन का रिकॉर्डिंग रखें। हाँ, 20 दिन का रिकॉर्डिंग है। उसी दिन से कहती थी कि भैया कोई बात लीक मत करिएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि विष्णु राज को और हमसे दूरी बनाया गया, दुश्मनी किया गया और विष्णु राज को कहीं ना कहीं फंसाया जाएगा। और भगवान जाने आज ये बात सामने नहीं आती तो विष्णु भाई होते कि नहीं होते। आइडियो तो आप कर रहे हैं कि चलिए शादी करवा दे रहे हैं। देखिए, वो आइडियो का मकसद यही है कि मैं उस समय शादी करवाएंगे, नहीं मैं बता रहा हूँ ना, उस दिन मैं ऐसा इसलिए बात किया क्योंकि वो एकदम आपको अपना करीबी समस्या आपसे बात करती थी। बात वो जा रही थी सुसाइड करने के लिए, कहा थी राहुल भैया हम ना ही उनके बिना जिंदा रह पाए, ना ही रहा हम जाती फांसी लगाए, और क्या नाम है, हाथ काट काट के फ़ोटो भेज रही थी जो कि अभी मैं दे दूंगा आप लगा लीजिएगा फ़ोटो, और पंखे का फ़ोटो भेज रही हैं। तब मैं कहा कि देखिए सिचुएशन इतना गर्म है कि वो उधर मरने जा रहा है, इधर सुसाइड करने जा रहा है। मालती आत्महत्या कर ले, वो सुसाइड कर ले, उसके जिम्मेदार कौन होगा? उसके भावनाओं के साथ खेला कौन है? मेरे पास कॉल करती हैं और कहते हैं कि उसको कुछ हो जाता तो मैं नहीं बचूंगी, ऐसा है वैसा है जो भी है सब रिकॉर्डिंग में है। तो मैं बोला कि भाभी कुछ मत करिएगा, मैं अर्जुन को जहाँ तक होगा बचा लूँगा और कोशिश भी कर रहा हूँ। तब तुरंत अमरनाथ को हम, राजा, विकास भाई और जो हम लोग के चैनल देखते हैं अवधेश भैया, अवधेश भैया उसके चैनल का जीमेल से पता किए कि उसका क्या नाम है, लोकेशन कहाँ है। लोकेशन हम लोग को पता चलता है पुड़िया पुल है, वहीं पुल पर ही था। तो किसी तरह हम लोग जीमेल से पता हो जाता है। हाँ जी, हाँ जीमेल से वो भैया पता नहीं कैसे पता कर लेते हैं। लेकिन वो तो कभी फोन आता है तो आप फोर व्हीलर लेके जाते हैं? ना ना नहीं, ऐसे का कोई साबूत हो तो दे ना। जैसे कहने का मतलब ये जो कह रही हैं कि हम लेके जाते हैं तो कोई साबूत देना कि हम लेके जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि बहुत दिन से गेम चल रहा था, कोई शक नहीं कर पाता था इसलिए कि भाई बहन का रिश्ता था। अब बात करते हैं, भाई बहन का रिश्ता था, अब वो प्यार में बदला, अब शादी में आ गया, आत्महत्या तक जाने वाले लोग, दोनों लोग जाने वाले हैं। एक लोग रच रहे हैं किसी का आत्महत्या करने के लिए, और ये दोनों लोग एक दूसरे को ना पाएंगे तो आत्महत्या करेंगे। अब आते हैं 20-25 दिन से आपको बात हो रही है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप, क्या 20-25 दिन से आप क्यों छुपा के रखे थे इतने दिन तक? जैसे कि बात ये चीज़ मैं विष्णु को बताया था, जैसे ही जब वो वीडियो मेरे पे आता है कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, ऐसे लोगों को आप क्यों प्रमोट किए कि ऐसे ऐसे दोस्त की पत्नी को क्यों बात करना उचित समझे? मैं को पहले हट जाना चाहिए ना, अगर वो आपके आप भावनाओं को समझ ले, आत्महत्या वो मालती चौहान कर ले तो ये बताइए इसके जिम्मेदार कौन होगा? मैं बता रहा हूँ ना, जैसे आप फंसेंगे नहीं फंसेंगे वो तो बात सही है, लेकिन आप उसकी भावनाओं साथ खेलें। इसलिए देखिए, जो जेन्युइन चीज है उसको बात कर रहा हूँ। जैसे आपको 20 दिन पहले भी शुरू से बता देना चाहिए था, क्योंकि इन दोनों का मामला बता तो रहा हूँ। विष्णु को मैंने बताया तो विष्णु यही कहे कि भैया अब ये बात हमारे आपके बीच में रहे, अभी हमें ये देखना है कि ये लास्ट तक का क्या है, ऐसा ना हो जाए कि अभी बात पता चल जाए और पूरी बात क्या नाम है बाद में मेरी जिंदगी का सवाल है। ये बार ऐसा ही अर्जुन पी के स्टूडियो पर चढ़ गया था विष्णु को मारने के लिए, लेकिन गरिमत ही था कि विष्णु था नहीं, विष्णु हाथ में मिल गया होता तो पता नहीं विष्णु रहता कि नहीं रहता। और दूसरी बात यह है ना, ये जो सारा मैटर चला है विष्णु को पता है, तो विष्णु यही कहने लगा कि अभी देखा जाता है लास्ट तक जाता कहाँ है, क्योंकि किसी की जिंदगी का सवाल है। यानी वो अर्जुन
विष्णु के घर पे चढ़ा था, धमकी दे रहा था, धमकी का स्टूडियो चढ़ा था मारने के लिए। और कितने दिन पहले की बात है? अभी तो लगभग होगा 6-7 दिन पहले की बात। हाँ, 6-7 दिन या 8 दिन पहले की बात। हाँ, जैसे सब प्रकरण जब जान गया कि सारा चीज आपने उसको दे दिया। नहीं नहीं, मालती समझ गई होगी ना कि विष्णु राज को सारा ऑडियो वीडियो जो है सब दे दिए। मालती भी देखिए इंटरव्यू दे रही है, कहीं ना कहीं उसको वो तो कह रही है कि हमको ऑडियो में छेड़छाड़ किया गया है। नहीं तो ऑडियो में जो कह रहा है छेड़छाड़ किया गया है ना, आइए सामने आइए, सभी लोग बैठे रहे, सबके सामने हो जाए भाई। सारा आइडिया उनके पति देव के पास है, विष्णु भाई के पास, वो पूरा खोलेंगे दिखाएंगे। आइए सभी लोग, जिसको जिसको जवाब चाहिए सभी लोग आइए ना। वीडियो वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है ना। कहने का मतलब विष्णु राज कह रहे हैं कि हम मालती को नहीं रखेंगे। अब रखे ना तो रखे, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए क्योंकि उनके पास एक बच्चा है जी जी, जो बेहद प्रेम करते हैं। पहले जब मैटर उभरा, मैं कहा इस मैटर को सोशल मीडिया पे मत लाइएगा भैया, पहले आप समझ लीजिएगा पारिवारिक मैटर है। लेकिन भाई एक पति को जैसे ही पता चलता है ऐसी ऐसी बात है, और उसका तो बेचारे का दिमाग नहीं काम करता है। दूसरा तो ये है कि अपने एक कपड़ा नहीं खरीदता था लेकिन उनको पहनाता था, और दूसरी बात ये है बेचारा स्टूडियो सोए, ये अपने घर सोती थी। विष्णु कहे खाना बना दो तो खाना नहीं बनाती थी, अर्जुन अब कहते कि हम आ रहे हैं खाना बना देना, खाना बन जाता था। आप लोग इधर ध्यान दे सकते हैं, जिस बंदे का गैरेज है वो गैरेज छोड़ के दिन रात इन्हीं लोग के साथ रहता था, तो मतलब क्या है, सोच सकते हैं। अपना परिवार छोड़ दिन से रहता था, छह महीने से काम नहीं करने जाता था, काम करने बहुत कम ही जाता था, एक हफ्ता यहाँ रहे तो एक दिन जाता था काम करने के लिए। लेकिन ये तो चलिए उनकी पर्सनली बात है क्या है क्या नहीं है। और जो ऑडियो की बात है, जो ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप लोगों को कुछ शिकवा गिला हो, तो उसमें मैं बता दे रहा हूँ, वो सिचुएशन ऐसा था कि उसके पक्ष में बात करना पड़ा, नहीं तो कुछ कर लेती तो विष्णु ऐसे भी फंस जाते हैं। और विष्णु तो फंसते फंसते साथ में जो फंसना होता, अर्जुन भी देखिए एक ऑडियो वीडियो भेजा जो कि भैया चैनल पे देख चुके होंगे अभी, तो यही सब रीजन है कि उसके पक्ष में बात करना पड़ा, उसको संभालना पड़ा कि वो कुछ करे ना। ऐसे ऐसा फ़ोटो भेजी है मेरे पास जो कि मैं भैया को दे दूंगा, लगा लेंगे। क्या लग रहा है कि आप जिस तरीके से आप शादी की बात कर रहे थे, चलिए शादी करवा दे रहे हैं, तो शादी करवाएंगे कि विष्णु से मिलवाएंगे? शादी तो करना पड़ेगा अर्जुन को अब उससे। हाँ, शादी अर्जुन को अब शादी तो करना पड़ेगा, क्योंकि विष्णु भी यही कह रहे हैं कि शादी करना पड़ेगा। हाँ, 20 चप्पल मार दे तो हम रख लेंगे। नहीं देखिए, नहीं तो शादी करें, नहीं तो भाई जो उसकी जो पूरा बदनामी हुआ है उसका पूरा सबूत दें, लेकिन शादी तुमको करना पड़ेगा अर्जुन। हो गया घूम, नहीं वो तो नहीं आएगा घूम के, गालियाँ दे दिए घूम के। नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं आएगा। नहीं तो फिर कैसे मालती देगी सब? तो वही चीज है ना, तो कह रही है कि दूसरे पत्नी के साथ उनका संबंध। चलिए ठीक है, वो कह रहे हैं दूसरी लड़की के साथ संबंध है, तो अभी तो लड़की आने वाली है, क्यों टेंशन ले रहे हैं? वो बयान देगी कौन उसके साथ गलत किया है कौन सही किया है। अरे भाई वो उसने जो आरोप, मालती भाभी आरोप जो लगा रही है, उस आरोप का कुछ तो या प्रूफ दो दीजिए ना, इसलिए दीजिए आपका पति है, वो आपका पति आपके खिलाफ रख सकता है। तो आप भी सोशल मीडिया पर काम कर रही हैं, ऐसा नहीं होगा कि अपने पति की कोई कोई बात आप ना रखी हो, तो उसको दिखाइए सोशल मीडिया पर लाइए ना। कहने से थोड़ी ना कुछ हो जाता है कि हम राहुल ऐसा कैलन हमारे ऐसा कैलन। अब देखिए मैटर आ जा रहा गोरखपुरिया भाभी का, जो कि गोरखपुरिया भाभी अभी इस चीज़ को जान नहीं रही हैं, तो उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पहले आप आइए इधर विष्णु से मिलिए, मालती से, साथ में सब लोग रहें, पूरी बात को आप सुनिए, उसके बाद डिसीजन पे आप जाइए ना। डिसीजन में क्या लेंगी मालती जी अगर गोरखपुरिया? भैया देखिए गोरखपुरिया भौजी इंसाफ दिलाने आई है ना, तो आज सुप्रीम कोर्ट है वो। अरे मैं देखिए मैं कुछ ये नहीं कह, मैं कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए उनको इंसाफ दिलवाना है ना। मामला कोर्ट में पहुँच गया है ना? मामला तो पहुँचेगा, लेकिन उनका भी इंसाफ हो जाए ना एक बार आके। भाई जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, आ जाए सामने ना सब लोग, चैलेंज कर रहे हैं गोरखपुरिया, चैलेंज नहीं कर रहे हैं। जैसे वीडियो वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं होता ना भैया, आप उनकी वीडियो बनाओ आप उनकी बनाओ, कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जितनी वीडियो बनेगी उतनी बेइज्जती होगी ना। विष्णु राज राहुल हैं, और ये विष्णु राज के पत्नी से बात करते हुए इनका ऑडियो वायरल हुआ था, और ये अपनी बात को रखा है। आप लोग क्या सोचते हैं, इनकी बात में कितनी सच्चाई है, कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।